इधर भी उधर भी दोनों तरफ लगी ये आग, हम तुम हम, कितने दूर दूर कितने पास। जी हाँ, राजस्थान की सियासत में यही तो हो रहा है। और आज जब आप भी ये तस्वीरें देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि तल्खियां जिंदा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर समन्वय समिति की बैठक में एक बार फिर गहलोत और पायलट दूर दूर बैठे दिखे। और आप इन तस्वीरों को गौर करेंगे तो पाएंगे कि पायलट के ठीक पास हरीश चौधरी, जो कि हाल ही में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अशोक गहलोत को घेरते हुए दिखाई दिए, अब वो पायलट के पास की कुर्सी पर बैठे हैं। किस आस में, ये तो वो ही जाने। भारत जोड़ो यात्रा की समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में भारत जोड़ने का एजेंडा भले ही रहा हो, लेकिन कांग्रेस का कुनबा एकजुट नहीं है। बैठक की तस्वीरों को इन दिनों की सियासी तस्वीरों से जोड़े तो पायलट गहलोत आमने सामने, गहलोत का विरोध करने वाले हरीश चौधरी पायलट के साथ, हर मौके गहलोत के पक्ष में बोलने वाले खाचरेवास और डुटासरा आज के हालात को बयां करती ये तस्वीरें बेहद ही खास है। इन दिनों गहलोत के विरोधी नाव में पायलट के संग हरीश चौधरी सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चर्चाएं तो ये भी है कि ये सब पहले से तय था, दूर दूर बैठेंगे। कांग्रेस की बैठक में गहलोत और पायलट की कुर्सी दूर दूर थी। अशोक गहलोत के एक तरफ जितेंद्र सिंह तो दूसरी तरफ प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरेवास बैठे थे। इसके अलावा जब गुर्जर नेता विजय बैसला की धमकी और गुर्जर सीएम से जुड़े सवाल सचिन पायलट से किए तो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वे उस सवाल को ही टाल गए। कि हमने वोट जो दिया था गुर्जर समाज ने और लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था। कांग्रेस पार्टी जब सिर्फ एक किसी पर सिमट गई, उसके बाद 5 साल तक सभी वर्ग सभी लोगों का समर्थन मिला, हम सब मिलकर काम किया, मुझे चलने का सौभाग्य प्राप्त, तो हम लोगों को बहुमत मिला। तो बहुमत सब लोगों के सहयोग से मिला और उस बहुमत पर हम आगे बढ़े, इन सबकी कोशिश भी है। इसलिए सभी वर्ग सभी जाति सभी समुदाय सभी धर्म, भाजपा की नीति हो सकती है लोगों को तोड़ना। रैलियां हो रही हैं महाराष्ट्र में, जो आज मध्य प्रदेश में जो आज एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा एक सकारात्मक मैसेज इस यात्रा का जाता है। तो आज खुद भी जा रहे हैं? मैं आज यात्रा में शामिल हो रहा हूँ, हम सब समय समय पर जाते रहते हैं। तो वही अजय माकन के सवाल पर भी इग्नोर करते हुए दिखाई दिए। पर 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस के इतिहास का भी आईना याद दिला डाला और कैसे मेहनत की वो भी बात कही। तो वहीं भाजपा पर भी तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की नीति तोड़ने की है, यात्रा का मकसद जोड़ना है। यात्रा का विरोध होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि भाजपा के हमारे जो साथी हैं वो विचलित, मैंने शुरू में कहा वो यात्रा से विचलित है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश हो सकती है कि यात्रा में बाधा डालें या इस प्रकार की दुर्भावना पैदा करें, लेकिन जनता बहुत समझदार है, लोग उत्साहित हैं। राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी के लोग विचलित हैं, वह यात्रा में बाधा डालना चाहते हैं। ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसके जरिए राहुल गांधी लोगों की बात सुन रहे हैं। राजस्थान में यात्रा भी सफल होगी, इन तस्वीरों को देखने के बाद तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तेज सर्दी में ये सियासी तस्वीरें राजस्थान की सियासत में अलाव सेकने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।